चैत्र नवरात्रि शुरू हो गए हैं। छोटी काशी मंडी के प्राचीन सिद्ध काली माता मंदिर में भी श्रद्धालु माँ के दर्शनों के लिए पहुँच रहे हैं। नवरात्रों के अवसर पर माता का फूलों से विशेष श्रृंगार किया जाता है। श्रद्धालु भी माता के भव्य रूप के दर्शन कर अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। वहीं मंदिर के पुजारी जगदीश शर्मा का कहना है कि लगभग 350 वर्ष पूर्व राजा सिद्धसेन के द्वारा प्राचीन सिद्धकाली मंदिर का निर्माण करवाया गया था। मंदिर की अपनी एक अलग विशेषता है, दूर दूर से श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उन्होंने बताया कि माता भगवती की ये विशेषता है कि कोर्ट कचहरी के जो मामले होते हैं उनमें माता उन्हें जल्द न्याय दिलाती है। नवरात्रों के आयोजन को लेकर मंदिर में विशेष प्रबंध किए गए हैं। सिद्ध काली माता का मंदिर बहुत अच्छा सजा हुआ है। बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर श्रद्धा से आ रहे हैं और जा रहे हैं। माता रानी सबका भला करे। बहुत अच्छा लग रहा है माँ के दर्शन करके। माता हमारी इच्छा पूरी करे। माता के जो 9 नवरात्रे होते हैं उस रूप में माता की पूजा की जाती है। हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रों का जो अपना ही महत्व है, ये हमारे इन नवरात्रों में जिसे हम हिंदू धर्म से अपना नया साल शुरू होता है और इसकी दृष्टि से जो भी हमारे हिंदू या हिंदू मंदिरों को आस्था रखने वाले सभी लोग इस महीने में मंदिरों के दर्शन करते हैं, अपने आराध्य देवताओं के दर्शन करते हैं, परिवार में सुख शांति और बुद्धि और धन वृद्धि, ये सब देवताओं की कृपा से इन नवरात्रों में इससे ज़्यादा हमें लाभ मिलता है। तो माता के भक्त हैं, आशीर्वाद हमेशा हम माता को याद करते हैं। ये मंदिर जो है काफ़ी पुराना मंदिर है और इसका निर्माण लगभग 350 वर्ष पूर्व राशि सेन जी के द्वारा करवाया गया था। प्राचीन मंदिर होने के साथ साथ इसकी अपनी बहुत ही विशेषताएँ भी है और लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसे कि भगवती की विशेष मान्यता ये है कि कोर्ट कचहरी के जो पत्नी होते हैं उसमें भगवती हर भक्तों को अपने लिए याद दिलाती है जल्द से जल्द। जैसे कि आज से नवरात्रों का प्रारंभ हो गया है, इसी कड़ी में हमारे इस मंदिर में भी जो है नवरात्रों का विशेष प्रोग्राम रखा गया हुआ है। इस बार मंदिर में नई साज सज्जा की गई है, रंग रोगन किया गया है और रंग बिरंगी लाइटों से जो मंदिर को सजाया गया है और प्रतिदिन यहाँ जो है सुबह 6 बजे मंदिर के दरबार को जाते हैं और जो है सुबह 7 बजे से जो है पाठ का प्रारंभ हो जाता है, जो लगभग जो 9 दिन तक चलेगा और रामनवमी वाले दिन इसका जो है पारायण किया जाएगा हवन के साथ। प्रतिदिन शाम को जो है यहाँ भजन संध्या का प्रोग्राम होता है, उसके बाद आरती का प्रोग्राम होता है और उसके बाद प्रसाद वितरण करके जो है इस तरह से इस प्रोग्राम को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बार। और अष्टमी वाले दिन जो हमारा इस बार विशेष प्रोग्राम है, भगवती की महाआरती का आयोजन किया गया है। इसमें लगभग 21 दिए जो है चारों तरफ जलाए जाएंगे और जो प्रत्येक जो यहाँ श्रद्धालु आता है अपने घर से आरती लेके आएगा और भगवती की महाआरती का एक सुंदर और भव्य नज़ारा देखने को मिलेगा। तो मेरा सब इसे अनुरोध है उस हमारे उस कार्यक्रम में शामिल हो जो है उस दिन जो है 6 बजे से शुरू हो जाएगा और 7 बजे हमारी आरती होती है, आरती तक वो चलता रहेगा। आपको बता दें कि छोटी काशी मंडी के प्राचीन सिद्ध काली माता मंदिर में श्रद्धालु माँ के दर्शनों के लिए पहुँच रहे हैं। नवरात्रों के अवसर पर माता का फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।